हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 प्राणी जगत के बारे में। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने मौलिक लक्षण के बारे में बताया था, किस आधार पर प्राणी को वर्गीकरण करेंगे, प्राणियों को आप कैसे वर्गीकरण करेंगे, उसके मौलिक लक्षणों के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आइए अब आगे देखते हैं एक एक संघ के बारे में। तो पहला संघ स्टार्ट करते हैं संघ पोरीफेरा के बारे में। ध्यान से समझें संघ पोरीफेरा क्या होता है। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ठीक है, तो संघ पोरीफेरा में जो भी प्राणी हैं उनको स्पंज कहते हैं। ठीक, अब जो है इसका स्टडी जो है पैराजूलॉजी में करते हैं। द स्टडी ऑफ स्पंजेज इज पैराजूलॉजी। नंबर ऑफ स्पीसीज अबाउट 5000। अगर स्पीसीज की बात की जाए, स्पंजेज के कितने स्पीसीज होते हैं, तो लगभग 5000 जो हैं स्पीसीज होते हैं। और जो पोरीफेरा शब्द बना है, ठीक है, वो लैटिन शब्द से बना है, पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, छिद्र। ठीक है, पोरीफेरा शब्द जो है वो लैटिन शब्द है, जो पोरस मतलब पोर होता है और फेरी मतलब टू बियर, धारण करने वाला। ठीक है, तो जिसके बॉडी में छिद्र होता है ऐसे जीव को क्या कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। ठीक है, और स्पंजों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैराजूलॉजी कहते हैं। ठीक, तो इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और सामान्यतः लवणी और असम्मित होते हैं। ठीक है, तो ये स्पंज कैसे होते हैं, लवणी होते हैं और असम्मित होते हैं। ठीक, तो ऑल स्पंजेज आर एक्वाटिक, मोस्टली मैराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म। ठीक है, जितने भी स्पंज होते हैं वह एक्वाटिक होते हैं, जली होते हैं, जल में पाए जाते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं, लवणी अर्थात मैराइन वाटर में, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक, ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं। जो स्पंज हैं वो क्या हैं, आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। ठीक है, बहुकोशिक प्राणी होते हैं, आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं। आद्य मतलब पुरा जीवी, ठीक है, पुराने समय के आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। ठीक है, तो जो आपका पोरीफेरा संघ के प्राणी हैं इनका शरीर किससे बना होगा, कोशिकीय स्तर का इनमें संगठन पाया जाता है। तो पोरीफेरा संघ के जो भी एनिमल्स हैं, जीव हैं, उनमें शरीर का संगठन जो है वह कोशिकीय स्तर का होता है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, स्पंज में जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इनके बॉडी में जल जो है एक जगह से एंटर करता है, बॉडी में छेद होते हैं, ऑस्टिया होते हैं, जिनके रास्ते से बहुत सारे इनके बॉडी में छेद होते हैं, जहां से जल जो है इनके बॉडी में एंटर करता है और एक जगह आस्कुलम से बाहर निकलता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोसील में प्रवेश करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जल जो है इनके शरीर पर जो सूक्ष्म रंध्र पाए जा रहे हैं, जिसको ऑस्टिया कह रहे हैं, उससे होकर केंद्रीय स्पंज गुहा अर्थात स्पंजोसील में प्रवेश करता है और वहां से एक बड़े रंध्र आस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। ठीक, अब जब जल इसके शरीर के अंदर इंटर करता है तो उसी के रास्ते, जल के रास्ते ही भोजन जमा करने, श्वसन अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करने वाला सारा वर्क जो है हो जाता है। ठीक है, तो जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। ठीक है, तो उसी के रास्ते अवशिष्ट पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्वेनोसाइट या कालर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। तो जो स्पंज गुहा है, ठीक है, स्पंजोसील है, उसको ढकने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो स्पंज गुहा को ढकने वाली क्वानोसाइट या कालर कोशिकाएं होती हैं। क्वानोसाइट या कालर कोशिकाएं होती हैं जो स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। ठीक, कोशिकाओं में पाचन होता है। ठीक है, कोशिकाओं में इनका पाचन होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अंतरा कोशिक पाचन कहते हैं। कोशिकाओं में पाचन होने के कारण ऐसे पाचन को अंतरा कोशिक पाचन कहते हैं। ठीक, कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है।
जो इनके शरीर में कंकाल है वह इनको क्या प्रोवाइड करता है, बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, जो कंटिकाओं तथा स्पंजन तंतुओं का बना होता है। कंकाल इनका किससे बना होता है, कंटिकाओं से और स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। तो स्पंज का जो कंकाल है वह कंटिकाओं और स्पंजिन तंतुओं का बना होता है, जिससे इनको आधार प्रदान करता है, शरीर में आधार प्रदान करता है। स्पंज प्राणी में नर और मादा अलग नहीं होते हैं। स्पंज प्राणी में नर और मादा जो है अलग अलग नहीं होते हैं, ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं। ठीक है, इनका नर अंग मादा अंग एक ही शरीर में होता है, अतः ऐसे प्राणियों को क्या कहेंगे, उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। तो स्पंज क्या है, उभय लिंगाश्रयी प्राणी है। अंडे और शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये उभय लिंगाश्रयी प्राणी हैं, इसलिए अंडे तथा शुक्राणु जो हैं दोनों जो हैं एक ही प्राणी के द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। इनमें जो अलैंगिक जनन है वह विखंडन द्वारा होता है और लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। स्पंज में अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा और लैंगिक जनन युग्मक के द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। इसमें निषेचन आंतरिक होगा, परिवर्धन जो है अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, अर्थात जिसमें व्यस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, जब परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है इसका मतलब इनमें व्यस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण है साइकन जिसे साइफा कहते हैं, स्पंजिला जो एक फ्रेश वाटर स्पंज है, स्वच्छ जलीय स्पंज है, और स्पंजिया जिसे बाथ स्पंज भी कहते हैं। ठीक है, तो साइकन, स्पंजिला और स्पंजिया ये सारे स्पंज हैं जो संघ पोरिफेरा में रखे गए हैं। ये आप फिगर देख सकते हैं, पहला जो है आपका साइकन है जिसे साइफा कहते हैं, ये आपका स्पंजिया है और यह है आपका स्पंजिला। ठीक है, आइए कुछ और जानते हैं संघ पोरिफेरा के सदस्यों के बारे में। तो आप ध्यान से समझें, तो देखें स्टूडेंट्स ध्यान से, नंबर ऑफ स्पीशीज अबाउट 5000। ठीक है, तो संघ पोरिफेरा में जो स्पीशीज हैं वो लगभग 5000 के करीब हैं। जो इनका पोरिफेरा टर्म बना है द फाइलम पोरिफेरा, ये एक लैटिन वर्ड है। पोरिफेरा का मतलब पोरस, पोर फेरी मतलब टू बियर, इंक्लूड स्पंजेस। ठीक है, तो जिसके शरीर पे पोर हों, पोर धारण करने वाले हों, उनको क्या कहेंगे, पोरिफेरा कहेंगे, जिसमें स्पंज आता है। द स्टडी ऑफ स्पंजेज इज पैराजूलॉजी, स्पंजों का अध्ययन जो है वह पैराजूलॉजी कहलाता है। ठीक है, स्पंज हैव नो टिश्यू, इनके पास टिश्यू नहीं होते हैं क्योंकि कोशिकीय स्तर का है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एलियास इस्टेब्लिश द एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेस। ठीक है, तो एलियास जो थे उन्होंने एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेस के बारे में उन्होंने बताया था। द फाइलम नेम पोरिफेरा वाज क्वाइंड बाई रॉबर्ट ग्रांट, जो पोरिफेरा नेम है वह रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा दिया गया है। पोरिफेरा नेम जो है रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा दिया गया है। ऑल स्पंजेज आर एक्वाटिक, मोस्टली मराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म। ठीक है, सभी स्पंजेज जो हैं वह एक्वाटिक होते हैं, जल में पाए जाने वाले हैं। अधिकांश जो हैं मराइन होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, और कुछ जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, स्पंजेज में भी सॉलिटरी आर कॉलोनियल। ठीक है, या तो स्पंजेज जो है अकेला रहता है सॉलिटरी जैसे साइकन, या फिर कॉलोनी बना के रहता है जैसे ल्यूकोसालिनिया में। ठीक, आगे देखते हैं। स्पंजेज में आपने पढ़ा कि लार्वा अवस्था भी पाई जाती है, लार्वा फ्री स्विमिंग एंड एक्टिव। ठीक है, पैरा देखें, लार्वा फ्री स्विमिंग एंड एक्टिव, पैरन काइमुला एंड एम्फी ब्लास्टुला, यह लार्वा नेम है जो पैरन कैमूला और एम्फी ब्लास्टुला, ये लार्वा का नेम है जो पाया जाता है। ठीक है, कुछ स्पंजेस के फिगर आप देख लें, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। ठीक है, टाइप, ठीक है, स्पंजेस में कैनाल सिस्टम जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के हैं यहाँ पे देखो। पहला है नॉर्मल जिसे
एस्केनोइड कहते हैं, एस्कोनोइड, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं यह नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसमें यह बॉडी में ऑस्टियम है, छिद्र है, जिनसे वाटर जो है बॉडी में इंटर करता है, वाटर करंट जो है बॉडी में इंटर करते हैं। यह आपका कैविटी है, जिसे स्पंजोसील कहते हैं, वाटर इसमें इंटर करता है और एक रास्ते से आस्कुलम के रास्ते वाटर जो है बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे देखें फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स पाए जाते हैं, जो वाटर को ऊपर की तरफ मूव कराते हैं, ठीक है। तो यह सिंपल स्ट्रक्चर है, जिसे एस्कोनोइड कहते हैं, या उससे कॉम्प्लेक्स जो है दूसरा है, जिसे ठीक है साइकोनोइड कहेंगे। यह दूसरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है साइकोनोइड। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका मेसोग्लिया है, एपोफाइल, ठीक है। यह स्ट्रक्चर है जिसे एपोफाइल कहते हैं, चैम्बर्स हैं जिसमें वाटर इकट्ठा होता है, फिर जो है सेंट्रल कैलान में कैविटी में, सेंट्रल कैविटी में वाटर आता है और फिर आस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस टाइप के कैनाल सिस्टम को सिकोनोइड कहते हैं। और एक होता है आपका ल्यूकेनोइड। ल्यूकेनोइड में आप देखें, यह फिगर है आपका ल्यूकेनोइड। इसमें आप देख रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इसमें वाटर जो है इकट्ठा हो रहा है, इन करेंट वाटर, फिर यहाँ पे एक्स करेंट वाटर, ठीक है, यहाँ से फिर जो है यह बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के जो है स्पंजेज में जो कैनाल सिस्टम है, सिंपल वाला जो है आपका एस्केनोइड, उसके बाद सिकेनोइड और फिर ल्यूकेनोइड होता है। कुछ स्पंजेस का फिगर यहाँ पे है, बुक में आप देख सकते हो। यह पहला फिगर जो है आपका यू प्लैक्टेला है, यू प्लैक्टेला का यह स्पंज है, इसे यू प्लैक्टेला कहते हैं। यह आपका जो अभी फिगर आपने देखा था स्पॉन्जिला है, यह है क्लियोना और यह है आपका स्पॉन्जिया, ठीक है। यह कुछ फिगर हैं आपके स्पंजेस के। स्पंज में स्टूडेंट्स जो है, स्पंज में स्टूडेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन स्पंजेज, अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं स्पंज में। जैसे पिनेकोसाइट, यह ए वाला फिगर आप देख रहे हो, इस टाइप के सेल को जो है पिनेकोसाइट कहा जाता है, पिनेकोसाइट। यह टाइप जो है मायोसाइट, यह जो सेल आप देख रहे हो स्पंज में पाया जाता है मायोसाइट, यह आपका है पिनेकोसाइट, यह आपका मायोसाइट, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हो इस तरह के पोरोसाइट, इसको कहते हैं पोरोसाइट, ठीक है, पोरोसाइट। थीसोसाइट, यह आपका देखो थीसोसाइट है, थीसोसाइट। क्रोमोसाइट, यह आपका क्रोमोसाइट है, ठीक है। स्क्लेरोसाइट, यह फिगर आप देखें, यह आपका स्क्लेरोसाइट है, स्क्लेरोसाइट। यह आप देखें ट्रोफोसाइट, ठीक है, यह जो आप फिगर देख रहे हो यह ट्रोफोसाइट है आपका, ठीक है। यह आपका कोलन, यह फिगर देखो एच वाला, यह आपका कोलनसाइट, कोलनसाइट है। यह आप देखो यह स्पर्म है, स्पर्म, ठीक है। यह आपका ओवम है, यह है क्वानोसाइट। यह फिगर आप देखो लास्ट में, यह क्वानोसाइट है। यह डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं जो स्पंज में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो स्पंज में पाए जाते हैं। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें ध्यान से, यह एक स्पंज है ल्यूकोसोलेनिया जिसको कहते हैं। इसके सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल को दिखाया गया है, जिसमें हम ऑस्टियम को देख रहे हैं, यह ऑस्टियम है। इस पर पिनेकोसाइट सेल्स हैं, पोरोसाइट सेल्स हैं, अमीबोसाइट सेल हैं, ठीक है। स्पेंक्यूल, मीसो ग्लिया इसमें देख रहे हैं, क्वानोसाइट सेल हैं, यह सारे क्वानोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। यह सारे स्ट्रक्चर जो हैं आप देख रहे हैं, यह स्पंजोसील है। तो वाटर जो है ऑस्ट्रियम से इंटर करके स्पंजोसील में आता है। यह फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर आप क्वानोसाइट सेल्स को देख रहे हैं, जो वाटर को ऊपर स्पंजोसील की तरफ भेजते हैं। यह एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, बॉडी वॉल है किसका, स्पंज का, ठीक है। कुछ स्पंज जो हैं उनके गिफ्ट के लिए भी दिए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लें, नेम हो सकता है कभी पूछा जाए आपसे। देखें जैसे यू प्लैक्टेला, यू प्लैक्टेला को विनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है, यू प्लैक्टेला को विनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। फेमस फॉर ब्यूटी ऑफ स्केलेटन और प्रेसियस मैरिज गिफ्ट इन जापान, ठीक है। तो मैरिज में, शादी में गिफ्ट के रूप में यू प्लैक्टेला को दिया जाता है, ठीक है। विनस फ्लावर बास्केट इसको कहते हैं, यू प्लैक्टेला को, यह सुंदरता के लिए फेमस है और इसको मैरिज में गिफ्ट के रूप में जापान में दिया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।